सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, नई ब्लॉकचेन के बारे में, या तो नए कॉइन के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है शेलर, यानी कि AXL। नाम आपने में भी सुना होगा और जो लोग नए हैं उसने नाम पहली बार सुना होगा, बट ये प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और काफी ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब लोग ज्यादातर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हमको ये प्रोजेक्ट के बारे में इसलिए बात करनी है क्योंकि आपके आंखों के सामने आ जाए कि भाई ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम में काफी अच्छा सा बूम कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटल जानेंगे और ये प्रोजेक्ट बेसिकली करता क्या है वो भी जानेंगे, और आने वाले टाइम में उसका क्या प्राइस प्रिडिक्शन होगा वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शेलर के बारे में आज हम बात करेंगे, 100% ये वीडियो रहेगा शेलर यानी कि AXL प्रोजेक्ट के बारे में। हालांकि उसकी आज की डेट में जो प्राइस है वो है $0.7 के आसपास है। ऑल टाइम हाई की मैं बात करूं तो यहाँ पे $2 ही अभी तक तो गया है गाइस, और ये नया नया प्रोजेक्ट भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो यू नो अगस्त सितंबर के आसपास ये प्रोजेक्ट आया था, और कॉइन गैको के ऊपर तो आपको अक्टूबर 26 के आसपास देखने को मिला था 2023 की मैं बात करता हूँ। अभी पूरा एक महीना भी नहीं हुआ, अरे सॉरी, एक साल नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट के मतलब लॉन्च होने में, ठीक है। बट ये प्रोजेक्ट में जो पोटेंशियल जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कि नीचे डेफिनेटली कमेंट करना, क्योंकि देखो जिस तरह से उसकी ये इंटर ऑपरेबिलिटी की कैटेगरी की मैं बात करूँ, ब्रिज गवर्नेंस टोकन, क्रॉस चेन कम्युनिकेशन, ये सारी कैटेगरी के अंदर ये टॉप पे आता है ये प्रोजेक्ट। जैसे कि इंटर ऑपरेबिलिटी की मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी ये टॉप पे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने CKB के बारे में हमने बात किया था, राइट, तो उससे भी बेहतर मार्केट कैप के साथ ये प्रोजेक्ट और काफी अच्छा सॉल्यूशन लेके आ रहा है, राइट। दूसरी चीज बात करें तो यू नो क्रॉस चेन कम्युनिकेशन, राइट, उसके अंदर भी ये प्रोजेक्ट यू नो नंबर वन पे आता है एज अ मार्केट कैप। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का एक खुद का एक्सप्लोरर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो खुद का एक्सप्लोरर, राइट, ये अपने आप में एक ब्लॉकचेन है जो अदर ब्लॉकचेन के साथ यू नो इंटरकनेक्टेड है, और अपना जो भी चीज है कम्युनिकेशन से लेकर सारी चीजें वो यू नो ट्रांसफर इंटर ट्रांसफर ये करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जिस तरह से जैसे कि ये उस शेलर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये कितने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है, चेन के साथ हम कनेक्टेड बोल सकते हैं। ये मतलब जो भी बड़ी नामचीन आप समझ लो ब्लॉकचेन की हम बात करें वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड ही है, और हम उसकी इकोसिस्टम की बात करें तो मतलब उसका जो चेन कनेक्शन की हम बात करें तो सारी इकोसिस्टम के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। BNB हो गया, पॉलीगोन हो गया, आर्बिट्रम हो गया, बेज हो गया, फैंटम हो गया, कॉस्मोस हो गया, है ना, तो सारी मोस्टली यहाँ पे इकोसिस्टम के साथ ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उसकी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बेसिकली कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप डेफी के अंदर देख सकते हो, DYDX हो गया, लीडो हो गया, फ्रैक्स हो गया, यूनिस्वैप हो गया, उसके साथ साथ वॉलेट्स की हम बात करें तो ट्रस्ट हो गया, लेजर हो गया, blockchain.com हो गया, मेटामास्क हो गया, रियल वर्ल्ड एसेट की हम बात करें तो ऑंडो हो गया, सर्कल हो गया, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एंटरप्राइज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े, मास्टर कार्ड जैसे बड़े यू नो वेंचर के साथ कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा यू नो स्ट्रांग प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाना है, ये जो उसका यूज केस से लेके उसकी क्या प्रोडक्ट्स है वो सारी चीजें आपको जाननी है तो इसकी वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इंटरचेन टोकन सर्विस हो गया, फिर एंटरप्राइज सॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीजें ये करता है, पूरा उसका इकोसिस्टम है, किस तरह से उसका इकोसिस्टम वर्क कर रहा है, वो सारी चीजों का नॉलेज उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इवन यूज केस भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट, ये ब्लॉकचेन आपको यू नो हेल्प कर सकता है एंटरप्रेन्योर यू नो एंटरप्राइज सॉल्यूशन या फिर जो भी Web 3.0 के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका रहता है वो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे से करके देता है, ठीक है। तो ये है थोड़ा बहुत फंडामेंटल जो कि ज़्यादा डीप में मैं नहीं आया हूँ, जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी चीज़ें, बट ये बेसिक थी जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी उनका ये ट्विटर हैंडल है, उसके अभी 2 लाख के आसपास उसके फॉलोअर है, द प्रोग्रामेबल Web 3 इंटर ऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म स्केलिंग द नेक्स्ट जनरेशन इंटर एप्लीकेशन टू बिलियंस ऑफ यूजर, ठीक है। तो देखो गाइस, ये ऐसा नहीं कि यही एक प्रोजेक्ट है जो यू नो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मार्केट के अंदर, नहीं, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट है, बट ये प्रोजेक्ट एज पर द उसकी मार्केट कैप और अभी तक की उसकी सप्लाई की मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी जो आईज है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, जो आने वाले टाइम में आपको जब बेनिफिट देगा तो कितने परसेंट दे सकता है वो हम आज के वीडियो में डेफिनेटली जानेंगे थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट हम
मई जून की मैं बात करूँ उसके बाद ये प्रोजेक्ट 0.3 डॉलर के आसपास देखने को मिला था, ठीक है। अब वो वाला चांस तो चलो अभी चला गया है, बट अभी उसने मतलब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका जो ऑल टाइम हाई है ना वो 2.6 डॉलर के आसपास हमको देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा, बट अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 0.7 डॉलर। बट अभी आपको ये प्रोजेक्ट 0.4 से लेके 0.5 से लेके मतलब 0.3 से लेके 0.5 के बीच में आपको देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली उसको एक्युमुलेट करो। और आने वाला टाइम में ये प्रोजेक्ट सिर्फ 3 डॉलर भी जाता है, जो कि उसने 2.6 डॉलर ऑलरेडी अचीव करके रखा हुआ है, बट 3 डॉलर भी जाता है ना तब भी हम यहाँ से मेजर करते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपको आराम से 500%, 500% का गेन दे सकता है, आराम से 500% का गेन दे सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि AXL फंडामेंटली स्ट्रांग तो ही है, उसके साथ साथ बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट है या एंटरप्राइज है उसका भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रांग है ही है, बट एज अ मार्केट कैप ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है ब्रा, राइट। तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। आप मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे पैसे इसके अंदर डाल दो, बट आप थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो का थोड़ा ऐसी एक्स्ट्रा है आपके पास तो उसके अंदर डाल सकते हो। बाकी थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करोगे तो डेफिनेटली बेनिफिट देगा, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप देखोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया। बाकी आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट के पीछे क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या है? बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, आप और भी अदर यूट्यूबर के वीडियोस देख सकते हो और अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी ये मेरा बेसिक वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताई है, जो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप भी जाके देख सकते हो, बट आप एक वीडियो में समरी मैंने आपको दे दी विद टेक्निकल एनालिसिस। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ना। थैंक यू सो मच।